औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमारी स्टेयर की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं रेलिंग को, कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या अपनी स्टेयर्स के ऊपर रेलिंग किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको स्टेयर के बारे में कुछ समझ ना आ रहा हो और मेरी तमाम वीडियो में वो टॉपिक मौजूद ना हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए इंशाल्लाह से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज हम पढ़ते हैं कि हम रेलिंग के ऑप्शन में दो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं, एक स्केच पाथ है और दूसरा प्लेस ऑन स्टेयर या रैंप है। आर्किटेक्चर के टैब में जाने के बाद ये रेलिंग का हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक मॉडल बना लिया है, तो इसके ऊपर हम रेलिंग लगाएंगे। मैं लेवल वन पे जाता हूँ और लेवल वन पे जाने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर रेलिंग को लगाएंगे। रेलिंग लगाने के लिए हम आर्किटेक्चर के टैब में जाएंगे और रेलिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ से स्केच पाथ को क्लिक करेंगे। स्केच पाथ को क्लिक करने के बाद स्केच पाथ की हमारे पास सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है, इसका मॉडिफिकेशन बार ओपन हो जाता है, यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास वर्क प्लान है, और इसके अलावा यहाँ पर पिक न्यू हॉस्ट है और एडिट जॉइंट है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये इसमें प्रीव्यू है। पहले हम देखते हैं कि हम इसको बनाएंगे किस तरह से। यहाँ पर जस्ट हमने जहाँ से हम अपनी रेलिंग का आगाज़ करेंगे वहाँ पर क्लिक करना है और अपनी लाइन के ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है, तो हमारे पास एक लाइन लग जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से आगे की तरफ भी एक रेलिंग लगाकर लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ से इधर से भी एक रेलिंग लगा देता हूं, तो यहां पर हमारे पास ये रेलिंग लग जाएगी। याद रखिएगा कि हमारे पास इसके अंदर पूरी विंडो का होना लाजमी नहीं है कि पूरी की पूरी हम एक विंडो बनाएंगे, पूरा का पूरा एक हम क्लोज विंडो बनाएंगे तो हमारे पास एक रेलिंग लगेगी, नहीं। जहां पर हमें जरूरत है वहां पर हम रेलिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यहां पर एक लूप होना चाहिए। अगर ये लूप ना हो तो हमारे पास ये एरर देगा। जैसे मैं फिलहाल इसको यहाँ पर लगाता हूँ, लगाने के बाद जस्ट ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर रेलिंग लग जाएंगी। रेलिंग लगने के बाद यहाँ से हम 3D में जाते हैं तो आप देखें हमारे पास इसकी तीनों साइड पर रेलिंग लग गई हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रेलिंग लगा सकते हैं। इन रेलिंग्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं रेलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की रेलिंग्स हैं, जैसे ग्लास पैनल है, ये हमारे पास ग्लास पैनल एक रेलिंग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये गार्ड रेल पाइप्स हैं, इस तरह की रेलिंग है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर टाइप की रेलिंग है, इसके अलावा पाइप टाइप की रेलिंग है, और इसके अलावा हमारे पास ये हैंड रेक्टेंगुलर, कुछ इस तरह की हमारे पास रेलिंग्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ से रेलिंग्स को लगा सकते हैं। मैं यहाँ से रेलिंग को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से लेवल वन पे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास वो ऑप्शन किस तरह से हमारे पास ये एरर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्केच पाथ के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन लगाकर यहाँ पर रेलिंग लगाता हूँ और दूसरी यहाँ पर एक लाइन लगाकर रेलिंग लगाता हूँ। जस्ट मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए हमारे पास इसने एरर दे दिया है। एरर दिया है, क्या एरर है कि हमारे पास ये सिंगल साइड है, तो सिंगल साइड के लिए हमें क्या करना होगा, एक टाइम के अंदर हम लगा सकते हैं। तो मैं यहां से इसको डिलीट करता हूँ, एक साइड को हमने लगाकर ओके करना है। ये हमारे पास जब लग जाएगा, ये देखिए हमारे पास जब लग जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर हम दूसरी साइड के लिए रेलिंग बाय स्केच लेंगे और यहां से दूसरी लाइन को लगाकर ओके करेंगे, तो हमारे पास ये इस तरह से दोनों साइड पर अलग-अलग टाइम से हम लगा सकते हैं। मतलब कि अगर एक ही टाइम में हम अलग-अलग लाइंस लगाएं तो हम नहीं लगा सकते, एक ही टाइम में हमें एक लूप बनाना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम इस रेलिंग को लगाने के लिए मैं रेलिंग मैं स्केच लेता हूँ, स्केच पाथ लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं रेलिंग लगाना चाहूँ तो यहाँ पर भी रेलिंग लगा सकता हूँ।
उसके लिए मैं यहाँ से लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ और लेवल 2 पे क्लिक करता हूँ, और लेवल 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं रेलिंग इसके ऊपर लगा सकता हूँ। जैसे ही हमारे पास यहाँ से इसके ऊपर रेलिंग हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं और जस्ट ओके करेंगे, तो ये भी हमारे पास वही ऑप्शन कि हमारे पास रेलिंग का लूप नहीं बना। यहाँ से मैं एक और लाइन लगाकर इसको लूप बनाता हूँ, ओके करता हूँ। अब हम अगर 3D में जाकर देखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर रेलिंग 1, ये लेवल 1 के ऊपर ही लगा है। इसको हम यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रेलिंग लेंगे और रेलिंग लेने के बाद इसके बेस के ऑफसेट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बेस के ऑफसेट को लेवल 1 से लेवल 2 कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से बेस का ऑफसेट अगर हम 0 फुट अपने बेस से ऊपर कुछ फुट देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा ऑफसेट फ्रॉम पाथ है, वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ये ऑफसेट फ्रॉम पाथ क्या है ये भी हम अभी देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके इस तरह से एक स्टेयर का एक सॉरी इसके लिए रेलिंग के लिए इस तरह से एक लूप बनाता हूँ, क्लिक करके ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जिस यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर अब हम आप देखें तो हमारे पास ये लेवल 2 के ऊपर आया है। मैं इसको यहाँ से लेवल 1 के ऊपर करूँगा तो ये वहाँ पर अपनी जगह हमारे पास जो लेवल 1 के ऊपर हमने लगाया तो वहाँ पर ये आ जाएगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास इस रेलिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है स्केच पाथ। स्केच पाथ के अंदर जब हम आते हैं तो स्केच पाथ के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू का। प्रीव्यू के ऊपर अब हम जब चेक ऑन करेंगे तो इसका क्या मकसद है कि हमारे पास जब हम क्लिक करके इसके ऊपर रेलिंग लगाएंगे तो हमें साथ में ये रेलिंग दिखाएगा कि ये हमारे पास प्रीव्यू दिखाएगा कि हमारे पास रेलिंग कैसी और किस तरह से लग रही है। तो यहां से हम देख कर अपनी रेलिंग्स को इस तरह से लगा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने के बाद इसके कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस क्या हैं, मैं यहाँ से लेवल 1 पे जाकर फ्रंट पे भी रेलिंग लगा देता हूँ। यहाँ से मैं इधर भी रेलिंग लगा के इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ हमारे पास हम आ जाते हैं तो ये हमारे पास रेलिंग है। जब हम रेलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो रेलिंग के यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है बेस लेवल है, बेस लेवल लेवल 1 है तो लेवल 2 करेंगे तो हमारे पास ये लेवल 2 पे चली जाएगी। अगर लेवल 1 पे हमने रखना है तो उसको लेवल 1 पे हम रख सकते हैं। इसके अलावा बेस ऑफसेट है, बेस से हम कितना ऑफसेट देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2 फिट देता हूँ तो ये बेस से 2 फिट ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल बेस के साथ कनेक्ट रखना चाहते हैं यहाँ से आप बेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफसेट फ्रॉम पाथ है, इसको अगर हम यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम पाथ करें तो यहाँ से ये पाथ से आगे 2 फिट चला जाएगा, मतलब कि हॉरिजेंटली यहां पर ये चला जाएगा। अगर आप इसको बाहर की तरफ लेके आना चाहते हैं तो -2 फिट कर लें तो आपके पास ये माइनस में बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहां से इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें रेलिंग यहां पर नहीं, अगर हमें स्टेयर के ऊपर रेलिंग लगानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो स्टेयर के लिए मैं यहाँ से स्टेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्टेयर के ऊपर पहले मैं यहाँ से लेवल 1 पे चला जाता हूँ। लेवल 1 पे जाने के बाद मैं यहाँ से स्टेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्टेयर के ऊपर जाने के बाद यहाँ से कंपोनेंट्स में जाकर स्टेयर बाय स्केच में से स्ट्रेट स्टेयर को लेता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब हम 3D में जाएंगे तो आप देखें इसके ऊपर रेलिंग लगी हुई है। मैं इसकी रेलिंग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दूसरी रेलिंग को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से हम लेवल 1 पे जाते हैं। अब हमने इसके ऊपर रेलिंग लगानी है तो यहाँ से रेलिंग बाय स्केच पाथ पे आएंगे। स्केच पाथ के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से इधर करके रेलिंग लगाता हूँ। रेलिंग लगाने के बाद मैं जस्ट इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद हम यहाँ से 3D में जाएंगे तो आप देखें हमारे पास ये रेलिंग इसके ऊपर नहीं लगी। इसके ऊपर लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम रेलिंग प्लेस ऑन स्टेयर या रैंप पे जाएं, या दूसरा तरीका ये है कि हम स्केच पाथ के ऊपर आने के बाद यहां से हमारे पास एक ऑप्शन है पिक न्यू होस्ट। पिक न्यू होस्ट वहां पर यूज है जहां पर हमने अगर
कोई हमारे पास तिरछी दीवार है उसके ऊपर अगर हम रेलिंग लगाना चाहें तो यहाँ से हम पिक होस्ट न्यू होस्ट का ऑप्शन लेते हैं, पिक न्यू होस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर जब स्केच लगाएंगे तो हमारे पास ये, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हमारे पास अब जब हमने इसके ऊपर स्केच लगाया तो स्केच लगाने के बाद हमारे पास इसके ऊपर रेलिंग लग जाएंगी। अब 3D में जाएं तो आप देखें जब हमने होस्ट लिया यहाँ से न्यू पिक होस्ट लिया तो हमारे पास ये उस तरह से रेलिंग लग गई है। दोबारा से मैं उस पर जाता हूँ, लेवल 1 पे जाता हूँ। लेवल 1 पे जाने के बाद यहाँ से ड्रा करते हैं और ड्रा करके हम यहाँ पर भी इस तरह से रेलिंग को लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप 3D में जाकर देखें तो आपके पास सेम वही इशू है। फिर आपने क्या करना है, आपने सेम उसी तरह रेलिंग बाय स्केच में जाने के बाद यहाँ से न्यू होस्ट पिक होस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से ड्रा करेंगे तो आपके पास ये रेलिंग इसके ऊपर ड्रा हो जाएंगी। ओके करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह, हमने 3D में लगे तो 3D में हमारे पास ये कुछ गलत लग गया, गलत क्लिक होने की वजह से ये गलत लग गया, लेकिन आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से लेवल 1 पे जाता हूँ और लेवल 1 पे जाने के बाद इसका दूसरा तरीका ये है कि हम रेलिंग में जाएं और रेलिंग प्लेस ऑन स्टेयर रैंप के ऊपर क्लिक करें। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दो हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस हैं, एक है ट्रेड और दूसरा है स्ट्रेंजर। अब ट्रेड और स्ट्रेंजर क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं। ये जो हमारे पास साइड पर स्पोर्ट है ये हमारे पास स्ट्रेंजर है और ये हमारे पास जो हॉरिजेंटली इसका हमारे पास सरफेस है इसको हम कहते हैं ट्रेड। तो अगर हम इनके ऊपर लगाना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से लेवल 1 पे जाते हैं। लेवल 1 पे जाने के बाद रेलिंग प्लेस ऑन स्टेयर रैंप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रेंजर के ऊपर क्लिक करके जस्ट इसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर रेलिंग लग जाएंगी। अब अगर हम 3D में जाकर देखें तो आप देखें हमारे पास जो रेलिंग लगी है वो स्ट्रेंजर के ऊपर लगी है। मैं दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा से मैं लेवल 1 पे जाता हूँ और लेवल 1 पे जाने के बाद यहाँ से प्लेस ऑन स्टेयर रैंप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ट्रेड। ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब सीढ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर रेलिंग लग जाएंगी। अब मैं दोबारा से 3D में जाता हूँ तो आप देखें हमारे पास ये जो रेलिंग लगी हैं ये हमारे पास ट्रेड के ऊपर लगी हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कहीं पर भी रेलिंग लगा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसके बाद हम इससे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम इस रेलिंग्स को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, इसके ब्लिस्टर्स को, इसके हैंड रेल्स को, इसके टॉप रेल्स को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उनकी अगर हमें चेंजिंग करनी हो इसके अंदर तो किस तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगेबान।